हेलो एंड वेलकम टू टेक इनफो YT। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो है सक्सेसफुली जो है रिमूव आइटम टू कार्ट, यानी कि कार्ट में से जो है आइटम को रिमूव करने के लिए जो है फंक्शनैलिटी क्रिएट की थी। तो वहां पर क्या हुआ था, सक्सेसफुली जो है हमारा कार्ट जो है आइटम ऐड कर पा रहा था और उसमें से जो है आइटम रिमूव हो रहे थे। अब हमको क्या करना है, प्रोसीड टू चेकआउट पर काम करना था, लेकिन उससे पहले मेन इसमें चीज़ है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, कि अगर लॉगिन यूजर है तो लॉगिन और लॉगआउट की फंक्शनैलिटी हमको क्रिएट करना है। तो देखिए इसको करने के लिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले दो चीज़ें हैं, एक तो हम जो है फ्रंट एंड से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर बैक एंड से। तो इसमें दो सिनेरियो, अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हैं तो आप बैक एंड से ही स्टार्ट करें, अगर आप जो है फ्रंट एंड डेवलपर है सिर्फ तो आप जो है रिएक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि आप जो है फ्रंट एंड पर यूआई उसका पहले बना सकते हैं, उसके बाद में जो है जैसे ही बैकएंड डेवलपर आपको कोड बना के दे दे तो आप जो है उससे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे केस में तो है कि हम जो है एक मर्न स्टैक यानी कि फुल स्टैक डेवलपमेंट देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे बैकएंड पे पहले काम करेंगे, क्योंकि बैकएंड पे हम क्या कर सकते हैं पहले APIs को जो है चेक कर सकते हैं, अगर वहां पर सक्सेसफुली जो है काम करे तो इससे होगा क्या। देखिए बैकएंड पर API चेक करना बेस्ट है, क्योंकि फ्रंट एंड पर क्या है सिर्फ इंटरेक्शन होता है, क्योंकि बैकएंड पे हमारे पास लॉजिक है पूरा, तो लॉजिक अगर सही रहा तो हम UI पर उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा कोड जिसमें जो है डेटाबेस से इंट्रैक्शन होता है या फिर क्यूरी हम फायर करते हैं, तो आप जो है पहले ऐसे कोड को लिख लिया करें, उसके बाद में जो है फ्रंट एंड पर काम करें। तो चलिए वापस चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही में आप क्या कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने के बाद अब हमको क्या करना है, इस बैकएंड के फोल्डर के अंदर काम करना है। तो ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे फोल्डर्स है, कॉन्फिग डेटा मिडलवेयर्स एंड मॉडल्स एंड राउट्स, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि कंपनीज में क्या होता है एक फ्रेमवर्क होता है जिसके ऊपर जो है काम करना पड़ता है। तो सभी बैकएंड टेक्नोलॉजी में पैटर्न होता है जिसे हम कहते हैं MVC पैटर्न, उस पर काम करना पड़ता है। क्यों, इससे क्या होता है इनकेस अगर आप कोई अलग कंपनी में भी स्विच करते हैं या फिर आप कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पर भी काम करते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आता है कि प्रोजेक्ट का फ्लो कैसे है, कहाँ पर जो है व्यूज है, कहाँ पर लॉजिक है, कहाँ पर डेटाबेस कॉल हो रहा है। तो इन सब को जो है अच्छे से समझने के लिए जो है एक फ्रेमवर्क बना हुआ है जिसे कहते हैं MVC आर्किटेक्चर, और यही MVC आर्किटेक्चर सबको फॉलो करना पड़ता है। तो हमको भी वही चीज़ करना है, अभी हमारे उसमें जो है कंट्रोलर मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे हमारा जो भी लॉजिक है, जैसे कि हमारे पास देखिए राउट्स के लिए लॉजिक है प्रोडक्ट routes.js के अंदर, तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास इसी राउट्स के अंदर हमने जो है लॉजिक लिखा है जो कि सही नहीं है, हमको जो है स्टैंडर्ड फॉलो करना है। तो हम भी क्या करेंगे यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम आप रखें कंट्रोलर्स, और इस कंट्रोलर्स के अंदर आप जो है आपका लॉजिक लिख सकते हैं। अभी फिलहाल राउट्स के लिए लिखेंगे हम, और एरर के लिए भी हम इसमें ऑथेंटिकेशन जितने भी हमारे पास लॉजिक हमको इम्प्लीमेंट करना है, तो हम यहाँ से इस कंट्रोलर के फोल्डर के अंदर उसे लिखेंगे। तो चलिए सिंपली एक न्यू फाइल यहाँ पर आप क्रिएट करें जिसका नाम आप रख सकते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर या फिर प्रोडक्ट्स कंट्रोलर .js। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी हमारे पास लॉजिक रहेंगे तो हम इसको जो है इस प्रोडक्ट्स कंट्रोलर के अंदर लिखेंगे। तो इसको कैसे क्रिएट करना है, सिंपल, ये भी एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास राउट्स में जितना कोड है हम इसको यहाँ से कट करेंगे और इस फाइल में जो है पेस्ट कर देंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर जो है प्रोडक्ट है जो कि हमारा मॉडल है, तो इसको, और यहाँ पर देखिए एक मिडलवेयर है हमारे पास असिंक हैंडलर का, तो इसकी अब हमको इस फाइल में ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि हम जो है लॉजिक शिफ्ट कर रहे हैं कंट्रोलर के ऊपर। तो इसको यहाँ से आप कट कर लें और इस कंट्रोलर के अंदर पेस्ट कर लें, और क्या कर सकते हैं हम इसके बाद में जो है इस लॉजिक को देखिए कहाँ पर राउटर डॉट गेट के अंदर पहले होता है URL पैटर्न और फिर होता है हमारे पास कॉल बैक फंक्शन। तो इस कॉल बैक फंक्शन को हम क्या करेंगे अब कंट्रोलर के अंदर लिखेंगे। तो आप क्या करें सबसे पहले कंट्रोलर के अंदर जो है एक फंक्शन बना दें। तो हम क्या करते हैं एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट, और इस फंक्शन का नाम आप रख सकते हैं गेट प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट्स आने वाले हैं यहाँ से। और आप चाहे तो क्या करें सिंपली यहाँ पर मैनुअल भी राइट कर सकते हैं जैसे एरो फंक्शन बना के इसको। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करें फैट एरो सिंबल और कर्ली ब्रेसेस, तो ये जो है एक एरो फंक्शन बन गया।
लेकिन हमारे पास क्या है, अभी ऑलरेडी यहाँ पर जो है लॉजिक हमने लिखा था, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट कर देंगे। कहाँ से, देखिए इस URL पैटर्न के बाद में async handler से जो है हमने लॉजिक लिखा था, तो इस लॉजिक को आप यहाँ से कट करें, और यहाँ से मैं इसको भी कट कर देता हूँ, पैरेंथेसिस को भी, और अब इसको यहाँ से पेस्ट कर लें। तो ये सक्सेसफुली जो है एक हमारा जो है कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव कर लें तो ये ऑटो फॉर्मेट भी हो जाएगा। और साथ ही में अब हमारे पास क्या है, सेकेंड है, सेकेंड वाला हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट के लिए है, तो आप क्या करें इसको भी यहाँ से कट कर लें। इसको कट करने के बाद वापस चलते हैं और नीचे एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो const, और यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट के लिए सिंपल लिखेंगे हम गेट प्रोडक्ट, और इसके बाद में इसको पेस्ट कर देंगे, इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और इसके बाद में इज इक्वल का साइन और कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं सिर्फ फंक्शन को जो है एक्सपोर्ट करेंगे। तो पहला फंक्शन है गेट प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे आप जो है गेट प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करें। उसके बाद में सिंगल प्रोडक्ट के लिए हमारे पास है गेट प्रोडक्ट, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें, तो दोनों भी जो है हमारे पास फंक्शन एक्सपोर्ट भी हो चुके हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है हमारे राउट के फोल्डर के अंदर इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो आप क्या करें, यहाँ पे लिखे ऊपर देखिए कहाँ पर, इस राउटर के बाद में भी लिख सकते हैं आप, या फिर उससे पहले भी जो है इसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे const, और यहाँ पे आपको क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि हम इसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और रिक्वायर की मदद से हम क्या करेंगे उसका पाथ दे देंगे, तो डॉट डॉट स्लैश कंट्रोलर्स का फोल्डर, कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट कंट्रोलर, और यहाँ से जो है हम गेट प्रोडक्ट और गेट प्रोडक्ट्स दोनों को जो है इम्पोर्ट कर देंगे। तो दोनों भी हमारे पास इम्पोर्ट हो चुके हैं। अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर देखिए इस कॉमा के आगे, यानी कि हमने जो URL पैटर्न दिया था उसके बाद में यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं, तो गेट प्रोडक्ट्स। लेकिन ये भी तरीका कुछ सही नहीं है, हालांकि ये भी चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं, लेकिन इसमें एक और तरीका है इसको करने का। देखिए राउटर जब भी हम जो है ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए राउटर का ऑब्जेक्ट बनाया, तो राउटर के अंदर हमारे पास और भी जो है फंक्शंस होते हैं, जैसे कि राउटर डॉट करेंगे आप, तो देखिए आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे थे, पहले डायरेक्टली जो है राउटर डॉट की मदद से जो है गेट पोस्ट पुट डिलीट जो है इन मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इसमें हमारे पास एक और होता है राउट। अब इस राउट का मतलब क्या है, आपको देना है आपका URL पैटर्न। तो URL पैटर्न में हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स है, और इसके बाद में अगर और डॉट लगाएंगे आप, तो अब आते हैं आपके पास और सारे मेथड्स, जिसके अंदर से हमको क्या करना है, हमारे पास जो है रिक्वेस्ट गेट की जाएंगी, तो आप सिंपली यहाँ से गेट लिखें, और अब आपके कंट्रोलर का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमारे केस में क्या है, अभी यहाँ पर जो है सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, तो गेट प्रोडक्ट्स यहाँ से आप इसको पेस्ट कर दें, तो ये हमारा पहला राउट बन चुका है। और सेम उसी तरीके से हमको क्या करना है, दूसरे वाले के लिए भी करना है, तो आप क्या करें यहाँ से इसको कट कर दें गेट को सबसे पहले, और लिखे राउटर डॉट राउट यहाँ पे आप लिखे, और इसके अंदर जो है आप URL पैटर्न दे दे सबसे पहले, तो हमारे पास है प्रोडक्ट स्लैश कोलन ID। इसके बाद में हमको देना है डॉट, डॉट के बाद में अगेन हमारे पास जो है गेट का मेथड है, आप चाहे तो पोस्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमने जो है पोस्ट का मेथड क्रिएट नहीं किया है, तो सिंपली आप क्या करें इसको भी गेट कर दें। गेट के अंदर आपको जो है आपके कंट्रोलर का नाम लिखना है, जैसे कि गेट प्रोडक्ट, क्योंकि अब सिंगल प्रोडक्ट है ना हमारे पास, तो उसके लिए आप लिखेंगे गेट प्रोडक्ट। तो सक्सेसफुली जो है हमारा राउट भी अब क्रिएट हो चुका है, और हमने सक्सेसफुली जो है MVC की फंक्शनैलिटी भी जो है हमारे बैकएंड के अंदर ऐड कर दी है, जो कि कंपनी स्टैंडर्ड है, सभी को ये फॉलो करना पड़ता है। और दोनों फाइल्स को आप सेव कर लें। सेव करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमारे टर्मिनल को ओपन कर लेंगे, तो आप जो है इनबिल्ट टर्मिनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ पावर शेल सबसे पहले, और यहाँ पे जो है आपको जो है सिर्फ सर्वर को ऑन करना है। तो सर्वर के लिए कमांड थी हमारे पास npm run server, इनकेस अगर आप भूल गए होंगे तो आप package.json की फाइल में जाएं, और यहाँ पे देखिए हमारे पास node1 के लिए हमने जो है सर्वर की कमांड सेट की थी, तो यही जो है हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो सिंपली हम क्या करें npm run server, अगर कोई एरर नहीं रहा तो हमको जो है यहाँ पर हमारा सर्वर रन हो जाएगा। तो देखिए सक्सेसफुली जो हमारा सर्वर रन हो चुका है, अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे APIs को टेस्ट कर सकते हैं।
तो फिलहाल गेट के लिए आप जो है आपके वेब ब्राउजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप जो है पोस्टमैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो है वेब ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। तो वेब ब्राउजर में आपको क्या करना है, यहाँ पर यूआरएल में जो है आपका एड्रेस लिखना है, जैसे कि लोकल होस्ट, और उसके बाद में जो है आपका जो पोर्ट नंबर आपने असाइन किया था, हमारे केस में पोर्ट 8080 है, फिर /API और /products। जैसे इंटर करूंगा, अगर सब कुछ सही रहा तो हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स शो हो जाएंगे। देखिए परफेक्टली जो है आ रहे हमारे पास प्रोडक्ट्स। और इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक की आईडी कॉपी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी आईडी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है प्रोडक्ट्स स्लैश जो है पेस्ट कर देता हूँ आईडी, तो सिंगल प्रोडक्ट हमको शो होगा। तो परफेक्टली हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट शो हो रहा है। तो सक्सेसफुली जो है एमवीसी की फंक्शनैलिटी ऐड हो चुकी है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।